देखिए बेटा, एक सरपंच है किसी गांव का, वो बोर्ड को मतलब वो इलेक्टेड होता है 3-1, मतलब उसको 3 पार्ट वोट मिलते हैं और हारने वाले को, लूज कैंडिडेट को 1 पार्ट वोट मिलते हैं, ठीक है। इफ 5764 वोट्स वर कास्ट, अगर टोटल वोट्स 5764 वोट मिले हैं, तो हाउ मेनी वोट्स डिड ही रिसीव। देखो बेटा, लेट, हाँ यस यस बोलिए। नाइन है बेटा ये, नाइन नाइन। लेट सरपंच रिसीव वोट्स इक्वल टू एक्स। पार्ट ऑफ वोट पार्ट ऑफ वोट सरपंच रिसीव सरपंच को कितना पार्ट वोट रिसीव किया गया है, थ्री। पार्ट ऑफ वोट लूज कैंडिडेट रिसीव, जो हार गया है उसको कितने वोट मिले हैं। हाँ, जो हार गया है उसको कितने वोट मिले हैं, वन। कितना मिले हैं, वन। टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट कितने वोट कास्ट हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट फाइव सेवन सिक्स फोर। यस, आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है बेटा, इसलिए। अच्छा हाँ, अच्छा देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट इक्वल टू 5764, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए टोटल वोट्स अपॉन सरपंच वोट इक्वल टू, टोटल वोट कितने मिले हैं, 5764, और सरपंच को वोट कितने मिले हैं बेटा, हमने माना था एक्स। क्या माना था, एक्स। अच्छा बेटा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सरपंच के वोट को और हारने वाले कैंडिडेट के वोट को, तो टोटल वोट आ जाएंगे। तो टोटल वोट का पार्ट कितना है, फोर, और सरपंच के वोट का पार्ट कितना है, थ्री। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू 5764 इंटू 5764 इंटू थ्री अपॉन, हाँ एक्स इक्वल टू, देखिए बेटा 4 से डिवाइड किया तो 1 4 4 1 इंटू थ्री, तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आई, थ्री। थ्री 12, 8। तो सरपंच को वोट्स कितने मिले, हेंस सरपंच रिसीव वोट
सरपंच रिसीव वोट्स इक्वल टू 4323। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि सरपंच को कितने वोट मिले, माना सरपंच को एक्स मिले, बोल रहा था कि सरपंच 3-2-1 से जीता है, मतलब जीतने सरपंच को मिले हैं 3 पार्ट वोट और कैंडिडेट जो हारा है उसको मिले हैं 1 पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने मिले हैं दोनों कैंडिडेट को मिलाकर, 576 वोट। टोटल अपॉन सरपंच, टोटल है 5764 और सरपंच का है एक्स। टोटल वोट बेटा 3+1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सरपंच को कितना मिल रहा है, 3 लिख दिया। सॉल्व किया तो इधर वो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करवाइए। हाँ देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें लिखा है जो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ। तो लेट द लेंथ लेट द लेंथ ऑफ ग्राउंड बी एक्स इक्वल टू एक्स। अब हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ अपॉन ब्रीथ, लेंथ अपॉन ब्रीथ का रेशियो कितना है बेटा, 5:2। अच्छा लेंथ कितनी दी है, 40। ब्रीथ हमने क्या मानी थी, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 40 × 2, 5 × x, 40 × 2/5 = x, 5 बन जा, 5 एट जा। कितना आया x की वैल्यू, 16 मीटर। तो हैंस ब्रीथ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए बेटा, नेक्स्ट पढ़वाइए। देखिए बेटा अगर आपको ऐसा दिया ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, तो आपको क्या करना है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ए का डी से मल्टीप्लाई, बी सी। तो किस ऑप्शन में आ रहा है, अगला क्वेश्चन रीड करना।
देखिए बेटा, इसको मैं ऐसे करूंगा 0.75 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 0.75 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 5x, 0.75 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5। इसको काटूंगा मैं तो बेटा 0.15 आ जाएगा। ठीक है ना, और इधर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, किसमें दिया है, ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 13th वाला देखना। लेट विथ ऑफ फोटोग्राफ बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से है, वो बोल रहा है कि हाइट अपॉन विथ, पहले हाइट कितनी थी बेटा जल्दी बताइए, 6, और विथ कितनी थी 8। अब हाइट कितनी है, 24। विथ क्या मानी, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा, देखिए बेटा, सुनिए, हेलो माइक ऑफ करिए। वो बोल रहा है जो मैप स्केल है, जो मैप स्केल है वो 10 किलोमीटर को कितना बताता है, 2 सेंटीमीटर। कितना बताता है, और वो बोल रहा है 430 किलोमीटर को कितना बताएगा। हमने मान दिया एक्स बताएगा, कितना बताएगा एक्स। अब देख क्रॉस करते हैं बेटा, 10 × x इक्वल टू 430 × 2। एक्स इक्वल टू 430 × 2 अपॉन 10, 86 सेंटीमीटर वो बताएगा मैप स्केल पे। मैप में कितना बताएगा वो 430 किलोमीटर को, 86 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है अगर वो 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर बताता है तो 430 को कितना बताएगा। हमने मान लिया एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करवाइए। हाँ इसमें बोला है एक्स की वैल्यू क्या है। देखो बेटा 9:5, तो प्रोपोर्शन 36:x-3। इसको हम लिखेंगे 9/5 इक्वल टू 36/x-3।
हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x-3 36 into 5 9x-27 = 180 9x, ये माइनस में 27 तो उस साइड चला जाएगा बेटा, प्लस में 9x = 207 एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 207/9 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23। किसी को डाउट? अच्छा, आगे हमारा यूनिटरी मेथड है क्या? अच्छा, यूनिटरी मेथड एक ऐसी मेथड होती है जहां हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एक का दिया हो ज्यादा का निकालना हो, ज्यादा का दिया हो एक का निकालना हो, या ऐसा हो सकता है किसी नंबर ऑफ आर्टिकल का कुछ दिया है, कॉस्ट दिया है या कुछ भी दिया है, स्पीड दिया है, फिर बोले कि इतने नंबर ऑफ आर्टिकल का निकालो। देखो, इसका ऐसा लिख सकते हो, यूनिटरी मेथड इज द मेथड इन विच वी फाइंड in which we find the value of required number of item with the help of वैल्यू ऑफ वन आइटम। पता है बेटा यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड इज द मेथड इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम। हमें जितने आइटम चाहिए उतने आइटम क्या बेटा, क्या लिखा, कहां पर एट है? मैं अभी पहले क्वेश्चन तो सुन, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सुनू ना। देखिए बेटा, यूनिटरी मेथड वो मेथड है इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम। जितने आइटम की हमें वैल्यू निकालनी है उतने आइटम की हम वैल्यू निकालेंगे किसकी हेल्प से, वन आइटम की वैल्यू की हेल्प से। किसकी हेल्प से? वन आइटम की वैल्यू की हेल्प से। एक कॉपी में डेफिनेशन लिख लेना बेटा बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। ओके, जब भी मैं कुछ लिखवाता हूं तो वो लिखना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो मैं मजाक में लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, या मतलब फालतू में लिखवा रहा हूं। अच्छा बेटा, देखिए एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है, क्या होता है बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन, और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। एक और डेफिनेशन है बेटा डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन।
पता है डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? इफ वन आइटम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस करेस्पॉन्डिंग corresponding the increases or decreases the other item respectively then we say that the variation is direct, the variation is direct. देखना बेटा मैं अभी बता रहा हूं समझा रहा हूं टेंशन नहीं लेना. जब एक चीज इंक्रीज हो और दूसरी भी इंक्रीज हो उसको कैसा बोलेंगे बेटा? डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे. या एक चीज कम हो दूसरी भी कम हो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट. जैसे सपोज आप यहां से कहीं जा रहे हैं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 100 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको 2 आवर लगते हैं, तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितने आवर लगेंगे जल्दी बताइए? 4 आवर. मतलब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपका दोनों चीज इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज. जब दोनों चीज इंक्रीज हो तो कौन सा वेरिएशन होता है? डायरेक्ट वेरिएशन. लेकिन जब एक चीज कम हो दूसरी चीज भी कम हो, जैसे सपोज एक और, अगर फाइव स्टूडेंट को मतलब 5 प्लेट खाना लगता है, 5 प्लेट फूड लगता है, तो 3 स्टूडेंट को कितने प्लेट फूड लगेगा? थ्री प्लेट. तो मतलब इधर स्टूडेंट भी कम हो रहे हैं, फूड भी कम हो रहा है. इसका मतलब ये भी क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन. जब दोनों चीज बढ़े या दोनों चीज कम हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. एग्जाम्पल cost of article varies हाँ, same है. proportion में बस क्या होता है कि equal होते हैं, रेशियो क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं. इधर हम सिर्फ ये बता रहे हैं, इधर हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, है ना? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वेरीज डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ आर्टिकल. अगर आप आर्टिकल बढ़ा दोगे तो कॉस्ट आर्टिकल की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. अगर आप आर्टिकल कम कर दोगे तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ऐसे ही डिस्टेंस वेराइज डायरेक्टली टू द टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करवाइए जल्दी से.
अच्छा, वन पेन की कॉस्ट निकालनी है तो लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है जल्दी बताइए। वन पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 8 नहीं, एक्स होगी। कितनी होगी? एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से। नहीं बताना था ना, 64 मल्टीप्लाई 1, एक्स इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 64 बन जाए, 64 होता है अपॉन 8। एक्स इक्वल टू 8 पेन, कितने पेन आएंगे? नहीं, 8 रुपीज, कितने रुपीज होगा? 8 रुपीज। तो वन पेन की कॉस्ट कितनी होगी जल्दी बताइए अभिजीत। हाँ कितनी होगी? 8 होगी। अभी तक आंसर ही नहीं दिया। हाँ देखिए बेटा, जब 8 पेन की कॉस्ट 64 है तो वन पेन की कॉस्ट कितनी है? एक्स। कितनी है जल्दी बताइए? एक्स। अच्छा इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करिए बेटा, जल्दी करिए, रीड करवाइए। हाँ 5 मिनट में कितनी चलेगी? लेट ट्रेन ट्रेवल इन 5 मिनट। 5 मिनट में ट्रेन कितनी चलेगी? माना एक्स किलोमीटर। कितना चलेगा? एक्स किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताइए, 25 मिनट में कितनी चलती है ट्रेन? अरे बोलो, 5 किलोमीटर। तो 5 मिनट में कितनी चलेगी? एक्स। 25 एक्स इक्वल, अच्छा 20 किलोमीटर है, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 5, 20 इंटू 5 अपॉन 25। 5 5 जा 5 4 जा, 5 से 5 कट। 5 मिनट में कितनी चलेगी? हैंस अच्छा